बजे के बाद अगर कोई रोड पे घूमता था ना तो फटती थी सबकी, अब कुछ हो जाएगा, अब चोरी हो जाएगी, हो जाएगी। आज 12 1 बजे घूम के देख लो, एक PCR हर 15 मिनट में दिखेगी दिखेगी। हिंदू जागेगा नहीं ना तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। अभी जब ये रात में निकले पत्थर बजाए, आज तक कब हम लोग जब निकलते हैं, नॉर्मल सी बात कहूंगा आपसे मैं, हर मस्जिद के ऊपर रोज जो अजान बजता है कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। अगर हिंदू बाहर से निकलता हुआ चले जाए तो क्या दिक्कत है। केजरीवाल हर जगह जाता है, पहले पंजाब में गया, कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर पुलिस में भर्ती होते हैं तो पंजाब के होते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जैसे बोलते हैं, बट जब वो टाइम आएगा ना, जहाँ यहाँ भी हुआ था, यहाँ पे कौन से था जहाँ पे वो मुस्लिम का भी ढूंढ रहे थे जहांगीरपुरी में, वहाँ भी कहा गया था कि आकर दिखाओ, अगर दम है तो हमारे इलाके में आओ, शाहीन बाग का नाम है ये, शाहीन बाग बोला था इस तरीके से एग्जैक्टली। और उस टाइम जब आए सारे अपने बोरिया बस्तरा घर का समझ लेके भागते मिले थे, और अब भी अगर चुनी देते हैं ना तो ऊपर ऊपर की बोलते हैं, फटती इनकी बहुत ज़्यादा हर चीज़ से। अच्छा एक बात बताइए, अभी अवैसी भी, अवैसी का बयान आया था कि ये कि बीजेपी के जो दिमाग दिल में गोडसे हैं और जुबान पर गांधी है, क्या लगता है कि ये सब जो बयाने लगातार आ रही है कानपुर के समर्थन में, कई लोगों का तो समर्थन में भी, दंगाई को समर्थन में भी बयान आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैं कानपुर से हटकर अगर मैं अपने यूपी में देखूं तो आज से ना कई 10 साल पहले देखोगे ना, हर जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी तब कितने गुंडे हुआ करते थे, यहाँ तक कि 8 या 7 बजे के बाद अगर कोई रोड पे घूमता था ना तो फटती थी सबकी, अब कुछ हो जाएगा, अब चोरी हो जाएगी, हो जाएगी। आज 12 1 बजे घूम के देख लो, एक PCR हर 15 मिनट में दिखेगी दिखेगी। कोई चोरी नहीं हो रही है सड़क पर, कोई छीना झपटी नहीं हो रही है, सब हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर योगी हमारे साथ यूपी में है तो हर बंदा इस टाइम पे सेफ है। अच्छा बुलडोजर का जो कॉन्सेप्ट आया चुनाव में ही निकला था बुलडोजर बाबा का, आज बुलडोजर बाबा चल रहा है, लेकिन अभी भी कई लोगों को दिक्कत है कि भाई बुलडोजर क्यों चलता है, संपत्तियां क्यों कुर्क की जा रही हैं दंगाइयों की, क्यों नहीं बस उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी क्या बातें हैं इस पे कोई आइडिया नहीं मेरा। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे अभी तेजस्वी, कई लोगों का जब लगातार बयान आया तेजस्वी का आया, लालू यादव का आया, लालू यादव ने भी कहा था, लालू यादव ने भी कुछ बातें कही थी, और अभी चलिए एक मुख्य बात ये है कि हयात के जो मोबाइल फोन में 141 ग्रुप मिले हैं जिसमें जिसका कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि PFI से कांटेक्ट हो सकता है, लग रहा है कि भारत में जो दंगा कराने का मतलब ये हो रहा है, ये क्या लगता है आपको, बाहर से तय था कि ऑटोमेटिक हो गया कि लोगों के बीच में ऐसा कर दिया गया? ये मोस्टली जितने भी इंस्पायर हो रहे हैं ना बाहर से ही हो रहे हैं, जितने भी आज तक में जहाँ तक मेरा आइडिया ना सब कुछ बाहर से ही होते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने खुद देखा इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, अच्छे काम के लिए तो नहीं होंगे बट हाँ जहाँ पे आगे ना धर्म के पास में यूँ चुटके में इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर अपने मरने के लिए काम आ जाते हैं। अच्छा ये जो 57 देश भारत की जो बोले कि भारत माफ़ी मांगे, क्या ये हमें इस्लामिक जो देश हैं, हमारा देश है कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्मों को इज्जत दी जाती है, ये इस्लामिक देश भारत को सिखाएंगे कि क्या करना है, भारत को क्या बोलेंगे इस विषय पर? उनको अब तक खुद ही नहीं पता, उनको पहले जाना था अलग देश चाहिए था, हमारा देश बना दिया, अब फिर भी हाँ घुस रहे हैं। मुद्दा ये है कि जब तक हिंदू जागेगा नहीं ना तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। अभी जब ये रात में निकले पत्थर बजाए, आज तक कब हम लोग जब निकलते हैं, नॉर्मल सी बात कहूंगा आपसे मैं, हर मस्जिद के ऊपर रोज जो अजान बजता है कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। अगर हिंदू बाहर से निकलता हुआ चले जाए तो क्या दिक्कत है। वो कहते हैं कि मस्जिद के बाहर जय श्री राम की बोलते हैं, यहाँ तो कोई हिंदू नहीं है ना, तो सुबह 5 या 4 बजे वो इजान बजती है तो वहाँ भी तो पूरे मोहल्ले में आने वाला अकेला मुसलमान नहीं है ना, वहाँ भी तो हिंदू है, तो होनी चाहिए ना बात, हटने चाहिए सभी चीजें। तो इस पे विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्यों नहीं इन सभी मुद्दों को उठा? वोट कांग्रेस को देख लो, सारी मुस्लिम वोट वहाँ से आती है, ठीक है, या अखिलेश देख लो, सारे मुस्लिम वोट लेके आ रहे हैं। बाकी नहीं बीजेपी की बात, आज इस टाइम पे अगर हिंदू जाग रहा है ना, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले और आगे 5 साल बाद देख लेना देश का कितना अच्छा नाम होगा। आज पूरी वर्ल्ड जानती है इंडिया को, पूरा PM उनसे डर के रहते हैं। अभी इसराइल कहता है पूरे 5 मुसलमान के देश थे, आपने देखा होगा उस टाइम पे, इसराइल ने साफ साफ कह दिया कि जो मोदी आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं बट उनकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है पावर एक PM की जो होनी चाहिए थी, इससे पहले जितने PM बने कितनी पावर थी उनकी, बस ये चीज कह रहा हूँ मैं। अच्छा तो PM की बात करें, मुख्यमंत्री में भी जब मुख्यमंत्री की बातें चलती हैं तो एक तरफ योगी जी का अलग कानून दिखता है, ये अरविंद केजरीवाल का भी मुख्यमंत्री में भी बड़ा नाम आता है, इसको क्या बोलेंगे कंपैरिजन? मैं एक चीज बोलूंगा, एक दिल्ली छोटी जगह है, ठीक है, हम यहाँ पर बहुत चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट जो UP एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ना कानून लाना किसी आम आदमी की बात नहीं है, कोई इतने जल्दी किसी तरह यूपी में जो गुंडा राज था दिल्ली में इतना ही था, बट यूपी एक पूरे इंडिया में एक ऐसा जगह थी जहाँ पे ना कोई काबू में नहीं रह सकता था, वो योगी ने करके दिखाया है। और भाई फ्री वाली वो बाजी जब जितना झोल है सारे इसके अब खुलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है, और योगी मैं कह रहा हूँ यार पहले बिजली के बिल देने में क्या दिक्कत थी,
अब जितने अब दिल्ली घाटे में जाती जा रही है, कितने करोड़ों का घाटा हर दिन न्यूज़ में आने लग गया धीरे धीरे। अब पिट्टी खुल रहे हैं, अब उसको देख लो केजरीवाल हर जगह जाता है। पहले पंजाब में गया, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पुलिस में भर्ती होते हैं तो पंजाब के होते हैं। वहाँ उत्तराखंड में गया, फिर वहाँ बोलता है सबसे ज़्यादा फौजी अगर भर्ती होते तो उत्तराखंड के होते हैं, वो खुद किसी का नहीं है। कभी ये बोले कभी वो बोलेगा, खुद कहता है कि सर आप फिल्म को प्रमोट मत करो। जब कश्मीरी फाइल आई थी कहा था फिल्मों को प्रमोट मत करो। मैं कह रहा हूँ गिन के 60 मूवी ट्विटर पर स्क्रॉल करोगे ना 60 मूवी का प्रमोट किया है कि मैंने आज ये मूवी देखी, आप सबको देखनी चाहिए, मैंने इस मूवी देखी इसमें ये देखना चाहिए। वो खुद प्रमोट करा यार, एक दोगली बात तो करो। अच्छा एक पाकिस्तान पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पे एक वीडियो भी सामने आया था जल्द ही, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे जो क्राइम रेट वो बढ़ रहा है? शिक्षा की बात छोड़ दो, अभी मैं कहता हूँ जब से आम आदमी पार्टी आई है ना वहाँ पे क्राइम बढ़ेगा, ठीक है। बट अब जब उसमें क्या नाम अमित शाह के अंडर आएगा सारा ये लॉ एंड ऑर्डर, अब देखना या तो पंजाब का सीन होगा तो बिल्कुल शांत हो जाएगा या जल्दी से खत्म होगा। पर जहाँ तक लगता है जब तक अमित शाह के अंडर आएगा ना, अब देखना चू भी नहीं होने की है। सारे गन्स के लाइसेंस जितनी गन थी सब निकलेंगी, सब खत्म होगा देखना क्राइम, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की।